Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 16 of formal methods in software engineering. Last lecture में हमने formal methods की जो different techniques हैं, testing की, specification की और formal methods को किस तरीके से हम software engineering में design कर सकते हैं और development कर सकते हैं, उसके क्या-क्या rules थे और उसकी implementation techniques को हमने in detail discuss किया था. उसमें अगर आपने कोई भी software design करना है तो formal methods के benefits क्या हैं, उसके drawbacks क्या हैं, system आपका complex किस तरह होता है, ठीक है, उसको हम बेहतर तरीके से किस तरीके से use कर सकते हैं, उसकी verification क्या है, उसकी validation क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस की थी. आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर की जो लास्ट हमारी टू स्लाइड्स रह गई थी, ठीक है, उसकी समरी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे अपना फर्दर लेक्चर आज का इंशाल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने जो अपना लेक्चर एंड किया था वो हमने एंड किया था क्लीन रूम प्रोसेस टीम के ऊपर. हमने ये कहा था कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं प्रोसेसेस के वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर. जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपकी स्पेसिफिकेशन टीम है, सेकंड जो कैटेगरी है वो आपकी डेवलपमेंट टीम है और जो थर्ड कैटेगरी है वो आपकी सर्टिफिकेशन की टीम है. तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, एक स्पेसिफिकेशन की है, एक डेवलपमेंट की है और जो थर्ड वन है वो आपकी जो सर्टिफिकेशन की है. अब इन्हीं जो ये थ्री टीम्स हैं, इन थ्री टीम्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे. फर्स्ट जो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन टीम है, इसका जो टास्क है, इसका टास्क रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप यानी आपका जो सिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, सिस्टम की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसको डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, यानी डेवलप मीन कि उसकी जब हम उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए जितने भी स्टेप्स, जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशन और जितने भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम को देखना है और फिर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन किस तरीके से करनी है, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन टीम के अंदर. और सेकेंडली ये ठीक है जो है कि अब देखें आपने सिस्टम को एक दफ़ा डिज़ाइन तो कर दिया, एक दफ़ा डिवेल्प तो कर दिया, अब उसकी जो मेंटेनेंस है कि आप उसको मेंटेन किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जो आपके सिंपल बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर पैचेस आ जाते हैं, उन पैचेस को, उन बग्स को, उन चेंजेस को आप किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, किस तरीके से मिनिमाइज कर रहे हैं, किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है ये आपकी स्पेसिफिकेशन टीम की है, यानी ये ओवरऑल सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम को जो डेवलप करेगी, मेंटेन करेगी और सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी मैनेज करेगी. सेकेंड जो हमारे पास टीम होती है वो हमारे पास डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है, जो आपकी डेवलपमेंट टीम है. डेवलपमेंट टीम का जो टास्क है कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर. अब जो आपने सॉफ्टवेयर बना लिया उसको वन बाय वन वेरीफाई भी करना है, क्या ये एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर है जिसकी यूज़र ने डिमांड की थी, जिसकी क्लाइंट ने डिमांड की थी, इसकी क्या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए थी. ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से डेवलप करना है, इसको वेरीफाई करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करते हैं अपनी डेवलपमेंट टीम के अंदर. तो यहाँ पे जो इसका मेजर टास्क है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करना है,
उसको किस तरीके से वेरीफाई करना है. द सॉफ्टवेयर इज नॉट एग्जीक्यूटेड आर इवन कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता और कंपाइल्ड भी नहीं होता ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो ये हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम है वो रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग और द सॉफ्टवेयर इज नॉट एग्जीक्यूटेड आर इवन कंपाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इसके लिए. और थर्ड जो हमारी टीम होती है दैट इज सर्टिफिकेशन टीम होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपिंग अ सेट ऑफ स्टैटिकल टेस्ट टू एक्साइज द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिवेलपमेंट. ठीक है, अब जो सर्टिफाई करती है कि ये सॉफ्टवेयर आपका जो जो इसमें सिस्टम की स्पेसिफिकेशन थी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी ये एग्जैक्टली उसकी बेस के ऊपर चल रहा है. ठीक है, ये सारी की सारी जो इसकी नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं. तो जो सर्टिफिकेशन टीम है ये सारे का सारा जो टास्क है ये सर्टिफिकेशन टीम का है. अब सर्टिफिकेशन जो टीम है ठीक है उसका जो मेजरली टास्क है वो ठीक है वो डिफरेंट टेस्ट कंडीशन डिफरेंट टेस्ट केसेस डिफरेंट रूल्स एंड मेथड्स को डेवलप करती है ताकि वो टेस्ट कंडीशन वो रूल वो मेथड हम उस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर डिप्लॉय कर सकें इम्प्लीमेंट कर सकें और इस चीज़ को इंश्योर कर सकें इस चीज़ को लिजिटिमेट कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर डिवेल्प हुआ है वो 100% ओके है. तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप की जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिफरेंट स्टैटिकल टेस्ट टू एक्साइज का मतलब है टेस्ट करना डिप्लॉयमेंट करना रन करना चेक करना वेरीफाई करना. ठीक है, द सॉफ्टवेयर आफ्टर डेवलपमेंट जब आपने डेवलप कर दिया उसके बाद ठीक है इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं. इसमें आपका रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल यूज टू डिटरमाइन व्हेन रिलायबिलिटी इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, यानी ये जो है ये क्या कौन सा मॉडल देखती है कि जो आपका रिलायबिलिटी का जो ग्रोथ मॉडल है वो यूज होता है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है वो एक लेवल तक एक्सेप्टेबल है कि भी कि नहीं है. यानी अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्टिफिकेशन टीम है इसका काम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिवेलपिंग अ सेट ऑफ स्टैटिकल टेस्ट टू एक्सरसाइज द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिवेलपमेंट. और जितनी भी रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इसकी रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए चेक करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए. ये हमारे पास जो क्लीन रूम प्रोसेस था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि देयर आर थ्री टीम्स. नंबर वन आपकी जो होती है वो स्पेसिफिकेशन टीम होती है, सेकंड आपकी डेवलपमेंट टीम होती है और थर्ड आपकी सर्टिफिकेशन टीम होती है. ये जो तीन टीम्स हैं ये मिलके अपना एक क्लीन रूम प्रोसेसेस को देख रही होती हैं मैनेज कर रही होती हैं. अब जब क्लीन रूम प्रोसेस की मॉनिटरिंग आर इवेलुएशन कि अब एवेलुएशन का जिस तरह देखें आप कोर्स पढ़ रहे हैं आप मिड टर्म देते हैं असाइनमेंट्स देते हैं क्विज़ देते हैं फाइनल पेपर देते हैं तो वो इस चीज़ को चेक किया जाता है कि आप इस कोर्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. किसी का ए ग्रेड होता है, किसी का बी प्लस है, किसी का सी है, किसी का बी है एंड सो ऑन. सो तो इसी तरीके से जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है हम जब अपनी एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लेते हैं बना लेते हैं तो हम उसका एक पूरा इवेलुएशन प्रोसेस भी रखते हैं, एक इवेलुएशन मेथड भी रखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की जो इवेलुएशन है जो उसकी मॉनिटरिंग है जो उसकी प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से हैं, उसको किस तरह यूज़ करना है. अब उसके हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स क्या है कि द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग द क्लीन रूम प्रोसेस हैव बीन वेरी इम्प्रेसिव विद फ्यू डिस्कवर्ड फॉल्ट इन डिलीवर्ड सिस्टम्स. ठीक है जी, अब जो हमारे पास क्लीन रूम प्रोसेस है इसकी इवोल्यूशन के लिए हमने क्या कहा है या इसकी डेफिनेशन क्या है कि द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द क्लीन रूम प्रोसेस हैव बीन वेरी इम्प्रेसिव विद फ्यू डिस्कवर्ड फॉल्ट इन डिलीवर्ड सिस्टम. जो आपके पास डिलीवर्ड सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट है. ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं. इंडिपेंडेंट असेसमेंट शोज that the process is no more expensive than other approaches. अब जो आपके पास जो आपका process है वो ज़्यादा
ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, बेहतर नहीं है, क्या क्या है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट शोज दैट प्रोसेस इज नो मोर एक्सपेंसिव देन अदर अप्रोचेज. ठीक है, अब ये मतलब सेकेंड पॉइंट है. देर आर फ्यू एरर्स देन इन अ ट्रेडिशनल डिवेलपमेंट प्रोसेस. अब जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल डिवेलपमेंट प्रोसेस है उसमें हमारे पास कुछ एरर्स रह जाते हैं. ठीक है, अब उन एरर्स को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम जो है इन डिटेल डिस्कस किए थे. और फिर हमने ये कहा था कि द प्रोसेस इज नॉट वाइडली यूज, ये प्रोसेस ज़्यादा वाइडली यूज नहीं होता. इट इज़ नॉट क्लियर टू एन एनवायरमेंट विद लेस स्किल्ड और लेस मोटिवेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. ठीक है, आप अगर एक जगह पे आपके जो है स्किल्ड पीपल ही नहीं है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जो है वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, या उन्होंने मॉनिटरिंग या एवलुएशन को पढ़ा ही नहीं है. ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें मॉनिटरिंग की और टेस्टिंग की और एवोल्यूशन की जो डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन है उनका आइडिया ही नहीं होता कि हम किन बेसिस के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे. ये जितने रूल्स होते हैं इनका नॉर्मली जो है वो जो फ्रेश आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि इनकी डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसको कैसे करना है. तो इसलिए ये जब भी आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है, इसकी मॉनिटरिंग करवानी है, तो जो स्किल पर्सन हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, जो पुराने उसमें कंपनी में लोग हैं, वो लोग इसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है डिप्लॉय कर सकते हैं. तो इसलिए हमें ये जो पूरा प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोसेस है, इसके कितने रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, और हम इसको किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो थी ये लास्ट लेक्चर की समरी थी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या अच्छी चीज़ें डिस्कस की थी. और इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा अगेन आपका जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ, और कुछ रूल्स रह गए थे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इसमें जो कंसेप्ट है वो है इसमें फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स का. ठीक है, कि फ्री और बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसने हमने इससे पहले अपने अपने प्रेडिकेट का जो हमारी कम्पिटिशन थी वो देखी थी, और जो हमारे पास प्रोपोजिशनल कम्पिटिशन थी वो डिस्कस की थी. तो उसमें कुछ चीज़ें जो बेसिक्स थी वो स्टिल आर मिसिंग, तो वो आज हम उन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह ताला. तो जो फर्स्ट आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं. इन द एक्सप्रेशन qx colon a slash b dot p वी से दैट वेरिएबल x इज बाउंड बाय द क्वांटिफायर. अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, या हम क्या चीज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हम क्या चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिफायर x है वो बाउंड, ठीक है, वो इससे वेरिएबल x, ये जो वेरिएबल x है वो बाउंड है इस पूरे क्वांटिफायर का. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, द स्कोप ऑफ x, जो इस x का जो स्कोप है एक्सटेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल बार आर द स्पॉट इफ देर इज नो कंस्ट्रेंट. अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके स्कोप जो x है, द स्कोप ऑफ x जो है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल बार, यानी वर्टिकल बार आर द स्पॉट इफ देर इज नो कंस्ट्रेंट, अगर उसके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, टू द नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट. हम इसको ये सिंपल सी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, इफ द वेरिएबल एक्स अपीयर्स इन अ प्रीडिकेट. अब हमने प्रीडिकेट लॉजिक लास्ट दो तीन लेक्चर पहले बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रीडिकेट क्यू बट इज नॉट बाउंड. ये अब इसमें देखें ये एक्स है, और अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो आपके पास यहाँ पे जो आपकी एक्स की अकरेंस है वो टोटली फ्री है.
दैट एक्स इज फ्री इन क्यू, ठीक है, और यहां पे आपका जो एक्स है इसकी अकरेंस बाउंड है. तो अब ये कुछ वेरिएबल जो है फ्रीली होते हैं जो कहीं भी मूव कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं जिनको बाउंड वेरिएबल्स भी कहते हैं, जो दूसरे वेरिएबल के साथ लिंक्ड होते हैं. अगर वो चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है, वो उसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो उस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. अब वो किस तरीके से डिपेंड कर रही होती है वो भी अभी आपने ये इक्वेशन देखी है कि इसमें ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन का. वैसे तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी अल्गोज होते हैं, डेफी हेलमैन है, आरएसए है, आपकी जितनी भी क्रिप्टोग्राफी है वहां पे हम जो है सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक्स को यूज करते हैं. सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि किसी एक, अगर इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देखें कि मैं अगर ए की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर दूं, या मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सेंडर है एक और एक रिसीवर है, वो डाटा सेंड कर रहे हैं, दरमियान में हमें डाउट है कि एक हैकर है वो उस डाटे को कैच करना चाह रहा है. तो हम ये करते हैं, मैंने अगर ट्रांसमिट करना ए बी सी तो मैं इसकी एक सिंपल सी की डिफाइन कर लेता हूं कि की इज इक्वल टू 3. अब जब भी मैं ए सेंड करूंगा तो वो बी सी डी वो ट्रांसमिट डी करेगा, बी सेंड करूंगा तो ई. अब उस लाइन के ऊपर डी ई एफ मूव हो रहा है जबकि मैं सेंड कर रहा हूं ए बी सी, ठीक है. अगर दरमियान में हैकर उस डेटे को कैच करता है तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी दैट विल बी डी ई एफ, लेकिन जैसे ही वो पहुंचेगा डेटा रिसीवर के पास उसको उसे पता है कि की साइज 3 है, वो -3 करके उस की को डिकोड कर लेगा और जो रियल यूजर की इन्फॉर्मेशन थी या जो डेटा सेंड किया था वो डेटा एग्जैक्टली उसके पास पहुंच जाएगा. अब यहाँ पे भी हम जो डेटे को सेंड और रिसीव करते हैं और जो हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है वो किस तरीके से होती है, अब देखें हम लिखते हैं कि वी राइट पी टी स्लैश एक्स टू डिनोट द प्रीडिकेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन टी फॉर ईच फ्री अकरेंस ऑफ एक्स इन प्रीडिकेट पी. यानी अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास हम जो अपने सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पी ठीक है ब्रेसिस टी स्लैश एक्स टू डिनोट द प्रीडिकेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन टी फॉर ईच फ्री अकरेंस ऑफ एक्स इन प्रीडिकेट पी. अब यहाँ पे यानी अब हम देखें हमने हर एक वर्ड को हम एक जगह सी सब्स्टिट्यूट कर दें, बी की जगह डी कर दें, सी की जगह एफ कर दें, तो ये हमारे पास बेसिक सब्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं. अब यहाँ पे हम अगर इसको टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहते हैं कि वी राइट पी प्लेसेस टी बाय एक्स टू डिनोट द प्रीडिकेट दैट रिजल्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन टी, ठीक है, फॉर ईच फ्री अकरेंस ऑफ एक्स इन प्रीडिकेट पी, ठीक है. ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो उसके अकरेंस है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स को प्रीडिकेट कर रहे हैं पी के साथ, ठीक है. अब हम ये कह सकते हैं जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है द सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन टी नीड्स नॉट बी अदर वेरिएबल, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन हुज पॉसिबल वैल्यूज मैच दोज ऑफ एक्स. हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई प्लस टू ब्रेसिस जीरो बाय एक्स, ठीक है. इफ एंड इफ, अभी हम सारे सिंबल्स देख चुके हैं प्रीपोजिशन लॉजिक में और प्रीडिकेट लॉजिक के अंदर, जीरो लेस देन इक्वल टू वाई प्लस टू, हम यहां भी ठीक है एक्स, ठीक है कॉलन एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू वाई प्लस टू ब्रेसिस जीरो बाय एक्स, एंड ये सेकेंड आपकी इक्वेशन है. थर्ड आपके पास जो इक्वेशन है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई प्लस टू ब्रेसिस ठीक है फाइव बाय वाई x x less than equal to 5 plus 2. तो ये हमारे पास आप ये जो पॉइंट है ये जो डेफिनेशन है आप देख रहे हैं हमें क्या कर रहे हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सप्रेशन को t नीड नॉट बी अनदर वेरिएबल, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन हुज पॉसिबल वैल्यूज मैच दोज ऑफ x, वो वैल्यूज मैच कर रही हैं और इस सारे को हम क्या कहते हैं कि डेटे की आपकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है. आप इस तरीके से अपने पूरे डेटे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का.
अब आपके पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन होती है, ठीक है, द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज अ जनरलाइज्ड फ्रॉम एंड, ठीक है। अब ये सिंबल एंड है। अब इसके लिए हमने लास्ट टाइम इन्फ्रेंस भी पढ़ी थी, हमने लेमडे भी पढ़े थे, हमने लेमास भी पढ़ी थी, हमने हमने टाटोलॉजी को भी डिस्कस किया था, हमने प्रिडिकेट लॉजिक को भी डिस्कस किया था, हमने प्रोपोजिशन लॉजिक को भी डिस्कस किया था। ये वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम उनके लॉज को मज़ीद इन डेप्थ कर रहे हैं। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स, ठीक है, गोज ए पावर आई और पी। अब यहाँ पे एक्चुअली इस सारी स्टेटमेंट का जो जनरल जो आपकी जनरलाइजेशन है उस सारी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो थीम है, व्हाट इज दैट, कि प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नॉट फ्री इन द अजम्पशंस ऑफ पी। यानी इस पूरी इक्वेशन में हमने जो फ्री एंड बाउंड वाला जो रूल लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो जो हमारे पास एक्स है वो इस पूरी एग्जम्पशन पी में जो है फ्री नहीं है। और इसको हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास जनरलाइजेशन है। ये हम जब किसी भी चीज़ को जनरलाइज करते हैं तो ये हमारे पास एक जनरलाइजेशन का रूल है। और फिर हम क्या बात कर रहे हैं, सेकंड जो है ये, इसको हम कह रहे हैं इन्फ्रेंस रूल 2.1। ये हमारे पास इन्फ्रेंस रूल जो है वो 2.1 है। और जो हम यहाँ पे 2.2 की बात करते हैं वो क्या है आपके पास, स्पेशलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है इन्फ्रेंस रूल 2.2 है। तो अब 2.1 रूल में हम इसको जनरलाइजेशन की बात करते हैं, और जो 2.2 रूल है हम इस रूल के अंदर इसकी बात करते हैं कि ये किस तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ पे जो आपका एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने अभी आपको बताया है कि जो एक्स है वो इज नॉट फ्री इन द अजम्पशन ऑफ पी। एक्स जो आपका है इस पूरी इक्वेशन में वो फ्री नहीं है आपकी अजम्पशन के लिए। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है हम जो अपनी फॉर्मल मेथड्स में डिजाइनिंग के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए जो है यूज़ करते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ठीक है एग्जिस्टेंस। अब जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो जो क्वांटिफिकेशन होती है वो क्वांटिफिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है, वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और वहाँ पे जो मेन आप देखें टी टी एप्सिलॉन ए पी ब्रेसिस टी बाय एक्स, ठीक है, और एक्स कॉलन ए डॉट पी एक्स ए पावर आई पी आई। अब यहाँ पे आप उसको एलिमिनेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उस कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नॉट फ्री इन द अजम्पशन एंड एक्स इज नॉट फ्री इन आर। अब अगर मैं इसको बैक स्लाइड में लेके जाऊं, हमने जहाँ पे अपना यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की बात की थी, तो हमने अपनी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नॉट फ्री इन द अजम्पशन ऑफ पी। यहाँ पे हम सिर्फ अपनी एक्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, सिर्फ पी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, हम किसी और कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे थे। जबकि इस स्लाइड में हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टेंट जो है क्वांटिफिकेशन है, इस स्लाइड में हम जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नॉट फ्री, यानी जो एक्स है वो यहाँ पे फ्री नहीं है, द अजम्पशन यानी इन प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नॉट फ्री इन द अजम्पशन एंड एक्स इज नॉट फ्री इन आर। यानी वो आर में भी फ्री नहीं है और उसकी जो बेसिक आपकी अजम्पशंस हैं वो वहाँ पे भी फ्री नहीं है। इस तरीके से हम इसको, यानी यहाँ पे हम सेकेंड कंसेप्ट को इस तरीके से जो है डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास हम फिर वापस जाते हैं। यहाँ पे क्या था, ये यूनिवर्सल थी, ये एग्जिस्टेंस थी। अब हम फिर वापस, ठीक है, जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरा थ्योरम है, एक पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने इसको किस तरीके से जो है लेजिटिमेट किया है, इसको किस तरीके से हमने वैलिडेट किया है। अब ये देखें,
यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास स्टेट है, ठीक है, अब ये सारे सिंबल जो है ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इस पर हम अपने बार बार टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एक्स कॉलन ए डॉट पी एंड क्यू, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, या विच इम्प्लाइज एक्स कॉलन ए डॉट पी एंड एक्स कॉलन ए डॉट क्यू इज अ थ्योरम ऑफ नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ तो काइंडली जरा इसको सर्च करें गूगल पे और नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम का कंसेप्ट रीड करें, समझें, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ आएगी कि नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, उसकी रूल्स क्या होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाती है और उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें एक्स ए ब्रेसिस टू, अब यहाँ पे हम जो अपनी इक्वेशन बना रहे हैं एक्स कॉलन ए डॉट पी एंड क्यू पावर वन डिवाइडेड बाय पी एंड क्यू डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स कॉलन ए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके जो फर्स्ट एलिमिनेशन है वो आपकी यहाँ पे हो रही है, सेकेंड एलिमिनेशन जो आपकी हो रही है जिसको हम एलिमिनेशन टू कह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी कहाँ पे हो रही है, वो आपकी यहाँ पे हो रही है P एंड Q और डिवाइड बाई Q में हो रही है। अच्छा आप देखें थर्ड तो कहीं नहीं है इसके अंदर, थर्ड या फिर कहीं नहीं है, तो ये आपकी एलिमिनेशन थी, ये वन टू, ठीक है, अब यहाँ पे हम ये इंटू थ्री आ रहा है, ये वन, फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है, वो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बन रही है। तो ये जो पूरा थ्योरम है इसकी पूरी हिस्ट्री डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में गिवन है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या होती है और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को हम किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं अपनी बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, उसकी लिंकेज क्या होती है, तो हम इस तरीके से अपने डिफरेंट क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको फॉर्मल मेथड में उस एक स्पेसिफिक लिंक के लिए यूज़ करके डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने बेसिक क्वालिफिकेशन ली थी, ठीक है, फिर हमने बेसिक एग्जिस्टेंस सिस्टम देखा, फिर हमने यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का जो नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम है हमने उस पूरे सिस्टम को देखा कि जो नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या है और वो किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, हमने वो देखा, और फिर हमने एग्जिस्टेंस जो क्वांटिफिकेशन है कि जो पूरे के पूरे सिस्टम की एग्जिस्टिंग क्वांटिफिकेशन है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इज अ थ्योरम ऑफ आवर नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट फ्री इन बी एंड वाई इज नॉट फ्री इन ए। अब इस पूरे थ्योरम की जो वन लाइन जो स्टेटमेंट है, ठीक है, या जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है, वो इस चीज़ को बेस कर रही है कि इज अ थ्योरम ऑफ आवर नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट फ्री इन बी, जहाँ यानी इसमें जो एक्स है वो बी स्टेटमेंट में फ्री नहीं है और वाई इज नॉट फ्री इन ए, यानी एक्स बी में फ्री नहीं है और वाई जो है वो आपका ए में फ्री नहीं है। तो ये पूरा जो थ्योरम है जो आपकी क्वांटिफिकेशन हुई है वो आपकी इस बेस पे हुई है, ठीक है, ये भी आपके पास। अब इस स्लाइड में अगर आप देखें आप तो यहाँ पे क्या था, ये एक जनरल नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम था, जबकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये भी नेचुरल सिस्टम है लेकिन यहाँ पे हमने अपनी कंडीशंस प्लेस कर दी है, हमने अपनी जो कंडीशंस प्लेस की हैं वो कंडीशंस क्या प्लेस की हैं, वो कंडीशन हमने ये प्लेस की है कि एक्स इज नॉट फ्री इन बी एंड वाई इज नॉट फ्री इन ए, ठीक है, ये हमारी कंडीशंस हैं और ये भी हमारे पास एक नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम ही है जो हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है हमारे पास वो कंसेप्ट आता है इक्विटी का, आता है द इज इक्वल टू, जिसे हम कहते हैं 2+3 इज इक्वल टू 5, 5+3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास जो इक्विटी का कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है, द इक्विटी सिंबल इज यूज्ड to show that the expression are identical, वो दोनों equal हैं, ठीक है, like just a 2+2 is equal to 4, तो ये एक, ठीक है, equality are one form of atomic propositions in our logical language, the other form is set membership, like 1+2 is equal to 2, तो यानी अब ये एक general equity है, हम जब भी बात करेंगे तो हमें पता है कि 1+1 इक्वल टू 2, या हम ये कर सकते हैं x+1, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने
एक्स प्लस वन कर दिया और एक्स की वैल्यू हमने प्री डिफाइन कर दी वन है, तो वन प्लस वन टू, ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। हम डिफरेंट मैथड से अपनी एक्टिविटी की जो जो स्टेटमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिसमस डे इज इक्वल टू 25 दिसंबर, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे उस डे को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, सेलाफील्ड इक्वल टू वाइड स्केल। तो अब आप ये देखें कि हम इक्विटी का मतलब ये है कि कंपैरिजन के अंदर जब दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनके जो टर्म्स हैं, जो मीनिंग है, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी इक्वल, तो उसको हम उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इक्विटी। और ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने अपने डिफरेंट लॉज को प्रूव किया था, डी मॉर्गन लॉज था और लॉज थे, तो हम वहाँ पर अपने प्रेडिकेट लॉजिक में, हमने अपनी प्रोपोजिशन लॉजिक में भी एक्विटी जो स्टेटमेंट थी हमने उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है, अपनी मैनिपुलेशन के लिए और अपने डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए। अब आप देखें कि हमने इससे पहले जो अभी हम रूल बना रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो अब हमने रूल्स देखें कि हमारे पास फर्स्ट रूल क्या था। ये हमारे पास 2.1 रूल था, फिर हमने 2.2 रूल बनाया, फिर हमने 2.3 रूल बनाया इंट्रोडक्शन का, फिर हमने 2.4 रूल बनाया एलिमिनेशन का। ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं 1, 2, 3, 4, और फिर हमने 2.5 रूल बनाया जिसको हमने कहा एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो 2.5 रूल है ये हमारे पास एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी इक्विवेलेंट माइनस आर ई एफ। अब और फिर हमने इसी तरह एक सिमेट्री रूल, ये जो रूल है, अब ये हमने इक्विटी के अंदर हमने 2.5, 6, 7, 3 रूल्स को भी डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट जो रूल हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं ये हम एक्सियम का रूल कर रहे हैं कि ये हमारे पास द एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्शन है कि टी टी। और अब इसमें जो इन्फ्रेंस रूल 2.6 है जिसको हम सिमेट्री कह रहे हैं कि एस इज इक्वल टू टी और डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू एस और इक्विवेलेंस माइनस सिमेट्री, ये हमारे पास सिमेट्री का रूल है। और फिर हमारे पास ट्रांजिटिविटी का रूल है, ठीक है, वो रूल किया है एस इज इक्वल टू टी देन टी इज इक्वल टू यू एंड एस इज इक्वल टू यू और इक्विवेलेंस माइनस ट्रांजिशन। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास हमने रूल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, जो इसमें इन्फ्रेंस रूल 2.5 है, ठीक है, वो एक्सियम का है, जो इन्फ्रेंस रूल 2.6 है वो सिमेट्री का है, और जो इन्फ्रेंस रूल 2.7 है वो आपके पास ट्रांजिस्टरी का रूल है। तो ये हमने जो अपने रूल्स डिफाइन किए हैं, ये देर आर 3 रूल्स, इन रूल्स को हमने डिफाइन करके अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन शो की है कि क्या क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है 1 पॉइंट रूल, कि 1 पॉइंट रूल क्या होता है और 1 पॉइंट रूल की डिप्लॉयमेंट क्या होती है। इफ द आइडेंटिटी इफ अ बाउंड वेरिएबल इज रिवील्ड विद इन द क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन। अब इसको जरा समझना है और से आप लोगों ने कि 1 पॉइंट रूल से मेरी क्या मुराद है, कि मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि इफ द क्वांटिटी इफ द आइडेंटिटी ऑफ अ बाउंड वेरिएबल इज रिवील्ड, अगर वो रिवील्ड होता है विद इन द क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन देन वी मे रिप्लेस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दैट वेरिएबल एंड रिमूव द एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब यहाँ पे ये देखें कि जो कंसेप्ट वो हमें बता रहा है या जो कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है वो कंसेप्ट क्या आ रहा है, हम फिर इसको यानी इन टर्म्स को जरा फिर इस पर फोकस करें कि इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ अ बाउंड, अगर किसी भी बाउंड वेरिएबल की जो भी आइडेंटिटी है इज रिवील्ड विद इन द क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन, अगर वो रिवील हो जाती है क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन के अंदर देन वी मे रिप्लेस, तो हमें फिर वो रिप्लेस कर देनी चाहिए ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल के साथ जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनको हमें जो है रिप्लेस कर देना चाहिए एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर, उनको जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर है वहाँ से भी कर देना चाहिए रिमूव। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं एक्स कॉलन ए डॉट पी एंड एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ए डॉट पी एंड एक्स इज इक्वल टू टी आई है, दिस स्टेट्स दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स इन ए फॉर विच पी एंड एक्स इज इक्वल टू टी इज ट्रू इफ टी इज
left hand x a dot p, p and x is equal to t, which implies t a and p braces t by x can replace x by t. ठीक है, तो ये हमारे पास वन पॉइंट रूल है, हम ये वन पॉइंट रूल इसमें यूज कर सकते हैं. आपने कंसेप्ट देख लिया है कि हमने उन तमाम वेरिएबल्स को में रिप्लेस हमें रिप्लेस कर देने चाहिए. ठीक है जी, ये था हमारे पास वन पॉइंट रूल, कि वन पॉइंट रूल एग्जैक्टली क्या कर रहा है. नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स का. डेटा स्ट्रक्चर्स का आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी आर यूजिंग सी प्लस प्लस पूरा कोर्स डिस्कस किया होगा. लिंक स्टेट, डब्ल्यू लिंक स्टेट, पॉइंटर्स, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं. यहाँ पे हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की वो फॉर्म या वो पॉइंट या वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम अपने फॉर्मल मैथड में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैन मॉडल डेटा स्ट्रक्चर. ये वो मॉडल डेटा स्ट्रक्चर है जो डीएम जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हमने लिए हैं. क्या क्या इसमें हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज टपल्स. टपल्स मीन रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन. देखिए अब हम कहते हैं जी कि ये एक आईडी कार्ड नंबर है 6110104-something. इसका जब एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है इसका नेम क्या है, इसका फादर नेम क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, इसका परमानेंट एड्रेस क्या है, इसकी फैमिली आईडी कार्ड नंबर क्या है, सनफ क्या है. ये सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड है. एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर हम जब सर्च करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड मिलता है. ठीक है, अब वो जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको हम टेक्निकल वर्ड में टपल्स कहते हैं. देन आपकी रिलेशंस आ जाती हैं. अब वो जो आपकी ठीक है जो रिलेशंस हैं, टेबल्स हैं, लिंक्ड, हमने याद है कि हमने कहा था कि इसी तरह डेटाबेसिस में आपके पास ईआरडी होती है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम. ठीक है, उसमें वन टू वन रिलेशन होती है, वन टू मैनी रिलेशन होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स होती हैं. तो वो आपकी किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें टेबल्स हैं, लिंक्ड है डाटा स्ट्रक्चर के साथ. अब वो जितनी भी आपकी आपकी रिलेशंस है, टेबल्स की, लिंक्स की, डाटा स्ट्रक्चर्स की, वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए. अब उसके बाद जो हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस में हम क्या यूज़ करते हैं, लुकअप है. ठीक है, उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके लुकअप टेबल्स हैं, ट्रीज हैं, लिस्ट हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फंक्शंस में यूज़ होती हैं. ठीक है, ठीक है, अब वो जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपके बहुत से होते हैं. अब अभी ये सारे, फिर सीक्वेंस है, लिस्ट है, अरेज है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में आप लोगों ने देखी होंगी. ठीक है, लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, पॉइंटर्स है, आपकी अरेज है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जब फॉर्मूला, हमने क्या कहा कि फॉर्मूला मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स जब हम यूज़ करते हैं मेथड्स के अंदर, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि टपल्स क्या है, आपकी रिलेशंस क्या होती हैं, आपके फंक्शंस क्या होते हैं, सीक्वेंस. और यहाँ पे आपको कंसेप्ट पहले होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि दिस कंसेप्ट वेयर वी कैन यूज़ आर डिप्लॉय इन द फॉर्मल मैथड टू गेट बेटर रिजल्ट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे. तो अब हम इनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो है टपल्स का. टपल्स कैन, ठीक है, कि ये क्यों यूज होती है, कैन रिसेंबल सी स्ट्रक्चर आर पास्कल रिकॉर्ड्स. ठीक है, माइट भी बहुत से लोगों ने आप में से पास्कल का नाम ना सुना हो. पास्कल भी एक लैंग्वेज थी, जी डब्ल्यू बेसिक एक लैंग्वेज थी, लोटस 1-2-3 एक लैंग्वेज. तो ये जो पुराने टूल्स हैं, पहले हम जो अपनी जो मोस्टली होती थी जो प्रोग्रामिंग वो पास्कल के अंदर और जी डब्ल्यू बेसिक में होती थी. फिर आपके बाद में ये सी आई और फिर सी प्लस प्लस आई और अब तो वी यू सी होती शॉप और ठीक है आपका जावा आ गया और जी एस पी आ गया एंड वी बी एंड वी बी डॉट नेट एंड सो एंड सो. बट द ओल्ड लैंग्वेज ठीक है पास्कल थी, आपकी जी डब्ल्यू बेसिक थी, फोट्रॉन 77 थी. फोट्रॉन से बनता था फार्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है, जितनी भी साइंटिफिक आपकी डेवलपमेंट होती थी वो सारी की सारी हम लोग जो कर रहे होते थे वो फोट्रॉन में कर रहे होते थे. ठीक है, तो यहाँ पे जो टपल्स का है कि टपल्स कैन रिसेंबल सी स्ट्रक्चर्स आर पास्कल रिकॉर्ड
टपलेस आर इंस्टेंसेस ऑफ, अब ये जितनी भी है कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट टाइप्स है, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोडक्ट टाइप्स है। अब यहाँ पे जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं ई कम्पोनेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम, आप देखिए नेम, हमने उसका नेम दे दिया, आईडी दे दी, डिपार्टमेंट दे दिया कि वो एडमिन है, मैन्युफैक्चर है या रिसर्च है। अब हमने डिफाइन कर दी कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हमने क्या कह दिया कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू उसकी आईडी इनटू नेम इनटू डिपार्टमेंट, कि उसकी क्या आईडी है, उसका नाम, उसका, और अब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं टपलेस विच आर इंस्टेंसेस ऑफ द टाइप, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आप ये देखें, हम उसमें लिख रहे हैं फ्रैंक कामा ए के आई कॉलन एम्प्लॉय, ठीक है, फ्रैंक इज इक्वल टू 0019 कामा फ्रैंक कामा एडमिन ए के आई इज इक्वल टू 7408 कामा ए के आई कामा रिसर्च। तो ये हमारे पास टेपलेस हैं, हम जो यूज़ करते हैं अपने फॉर्मल मेथड्स के अंदर कि उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उसकी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिलेशंस का। रिलेशंस आर सेट ऑफ टपल्स, दे कैन रिसेम्बल टेबल्स आर डेटाबेसिस, ठीक है। अब जिस तरह हमने अभी आपको बात थोड़ी देर पहले यही बात बता रहा था कि जो जिस तरह आपके पास डेटाबेसिस में एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स होती हैं, तो वो जो एंटिटी आपकी जितनी भी डायग्राम्स हैं उसमें हम अपने सिम्बल्स बताते हैं कि वन टू मैनी है, वन टू इन्फिनिटी है, ठीक है, मैनी टू मैनी है, वो डिफरेंट रिलेशन है। अब यहाँ पे भी हम उन रिलेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अभी वो देखें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो कॉलम है, एक कॉलम आपका आईडी का है, सेकंड कॉलम आपका नेम का है और थर्ड कॉलम आपका डिपार्टमेंट का है। इसमें जो आपकी आईडी है दैट इज 0019, नेम आपका फ्रैंक है और आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। 0308 आपकी आईडी है, नाम फिलिप है, आप रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। 7408 है, ए के आई है और आप यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इन जी दिस कैन बी, अब हम जो अब बात कर रहे थे कि फॉर्मल मेथड्स में जो जी लैंग्वेज यूज होती है, अब हम अगर इसको जी लैंग्वेज की बात करें तो जी लैंग्वेज में हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एम्प्लॉय कॉलन पी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज इक्वल टू ब्रेसिस 0019 कामा फ्रैंक कामा एडमिन, फिर 0308 कामा, अब देखें, अब यहाँ पे हम ये अपनी Z नोटेशन है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि Z नोटेशन हम अभी अपने और भी इसके लेक्चर्स डिस्कस करने हैं Z लैंग्वेज के ऊपर। तो Z लैंग्वेज में आप देखें ये हमारी नॉर्मल डेटाबेस थी। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया कि Z लैंग्वेज में हमने क्या किया कि एम्प्लॉय इक्वल टू पी एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की दे दी डिटेल की एम्प्लॉय इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या था, इसमें आप देखें ब्रेसिस हमने दिया, इसमें इसकी आईडी आ गई, इसका नेम आ गया डिपार्टमेंट, फिर ब्रेसिस बंद, फिर नेक्स्ट के लिए उसकी आईडी आ गई, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट आ गया, फिर ब्रेसिस बंद, फिर नेक्स्ट के लिए उसकी आईडी आ गई, उसका नेम आ गया, उसका डिपार्टमेंट आ गया, ब्रेसिस बंद और इसको क्लोज। तो ये अगर हम इस सारे डेटाबेस टेबल को अगर हम जी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें तो हम इसको इस तरीके से अपनी जी लैंग्वेज में दी लैंग्वेज में शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारे पास पेयर्स का कंसेप्ट है। पेयर्स आर टपलेस विद जस्ट टू कंपोनेंट्स, इसमें सिर्फ टू कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो हमारे पास पेयर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास टू, पेयर का मतलब ही क्या होता है, टू होता है, तो ठीक है, तो जो पेयर्स होते हैं उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो भी टू होते हैं। अब देखें इसमें हमने लिखा ए के आई, उसका नंबर आ गया, द मैपलेट एरो प्रोवाइड्स अल्टरनेट सिंटैक्स विदाउट पैरेंथेसिस। अब हम या तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ए के आई, या ये जो हमारे पास ये जो मैपलेट यूज़ कर रहे हैं हम, ये देखें ये इसको डिनोट कर रहा है, ये हम अगर हमने या तो हमने यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, फिर एक आई लिखा, फिर उसका आईडी आ गई और हमने अपनी पैरेंथेसिस बंद कर दी। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम इसको यूज़ करना है तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, द मैपलेट एरो
ठीक है, प्रोवाइड, आप देखिए ए के आई और देन ये मैपलेट सिंबल और ये उसकी आईडी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स में हम क्या कर रहे हैं कि द प्रोजेक्शन ऑपरेटर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का आ रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स में क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेयर। ठीक है, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें आप देखें फर्स्ट, अब यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो आपकी प्रोजेक्शन है वो किस तरीके से हो रही है। आप देखें फर्स्ट ए के आई कामा 4117 इज इक्वल टू ए के आई, सेकेंड हमने क्या किया ए के आई कामा 4117 इज इक्वल टू 4117। तो ये हमारे पास पेयर्स का कंसेप्ट है कि हम पेयर्स को किस तरीके से शो कर सकते हैं। देन हमारे पास बाइनरी जो है रिलेशंस है, बाइनरी रिलेशन क्या होती है, आर सेट्स ऑफ पेयर्स, बाइनरी का मतलब टू होता है। ठीक है, अब ये देखें पी नेम इनटू फोन आर, या तो हम इसको लिखेंगे इस तरह पी नेम क्रॉस फोन, या हम इसको लिख सकते हैं ठीक है नेम और फोन, ये हमारे पास सिंबल है। बाइनरी रिलेशन कैन मॉडल लुकअप टेबल्स, बाइनरी रिलेशन आर मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, जो बाइनरी आपकी जितनी भी बाइनरी आपकी जो होती है, जितनी भी रिलेशन बनती हैं वो सारी की सारी आपकी मैनी टू मैनी रिलेशन बनती हैं। अब इसमें देखें इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, नेम ठीक है और फोन ए के आई, आपने फोन दे दिया 4019 फिलिप ठीक है 410 डॉग ठीक है 4107 डॉग 4136 फिलिप 0113 फ्रैंक डिस्टन। तो ये हमारे पास जो एक इसमें रिलेशन आ रही है, इसमें बाइनरी आ रही है, रिलेशन आ रही है, और बाइनरी रिलेशन को आप देखेंगे असल जो चीज़ है वो इसको जो है प्रेजेंट किस तरह करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आप पी नेम ठीक है क्रॉस एक्स फोन लिखेंगे, या पहले आपने ये लिखा पी और फिर नेम, या हम इसको लिख सकते हैं नेम और इस तरह कॉलन के साथ ठीक है, इस सिंबल के साथ हम इसको शो कर सकते हैं कि इसके साथ इसका लिंक सिंबल है और ये आपको शो हो रहा है फोन के लिए। फिर हम बाइनरी इसी हम अब जो हमारे पास ये जितना डाटा था, अब एक्चुअली हम जी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी बेसिकली, तो हम अपने पहले उसको बेसिक जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जो हम डेली हम अपने डेली रूटीन में जो डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम उसको जी पहले उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर हम उसको जी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसी बाइनरी जो आपकी ये रिलेशन है, हम जब इसको जी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास कि इन जी दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये फोन आ गया कॉलन नेम ठीक है देन फोन। अब आप देखें यहाँ पे क्या गया, फोन इज इक्वल टू ए के आई 4019 फ्लिप ठीक है 4107 देन डी ओ यू ठीक है, इसमें 4107 देन डी ओ यू 4136 देन फ्लिप, इसमें आ गया 0113 आ गया देन फ्रैंक, इसमें आ गया 0110 आ गया देन फ्रैंक 6190 आ गया। तो ये सारी की सारी आपकी बाइनरी, ये सिंबल आपके बाइनरी रिलेशन के है, और जो हमारी जी लैंग्वेज है हम इस सारे डेटे को इस तरीके से अपनी जी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ये कंसेप्ट भी जो है काफ़ी आपका यूज़ होता है रिलेशनल कैलकुलस जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें जो फर्स्ट है ठीक है, आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर्स हैं कैन मॉडल डेटाबेस क्यूरीज, तो जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शन है ठीक ऑपरेटर्स हैं वो आपके डेटाबेस मॉडल की जितनी क्यूरीज है इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक तो ये है और दूसरे आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप जो आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस हैं सेलेक्ट पेयर बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट कंपोनेंट ठीक है डॉग फिलिप फोन ठीक है फिलिप इसमें 410 आ गया डॉग इसमें 4107 आ गया डॉग इसमें 4136 आ गया फिलिप इसमें 0113 आ गया और इसमें रेंज रिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एलिमेंट ठीक है फोन इसमें आ गया 4000.4999 ब्रेसेस ए के आई इसमें आ गया 4019
ठीक है, देन आगे फ्लिप आ गया, इसमें आगे 4107 आ गया, देन आगे डोग, इसमें आगे 4107 आ गया, देन आगे डोग, इसमें आ गया 4136 आ गया। तो ये हमारे पास सारे का सारा रिलेशनल कैलकुलस है जो हम इस पर यूज़ करते हैं। अब इसी रिलेशनल के कैलकुलस को हम अगर इसी मॉडल को अगर बनाएं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओवर राइडिंग कैन मॉडल डेटाबेस अपडेट्स, कि जो हमारे पास डेटाबेस की अपडेशन है हम उसमें इसको किस तरीके से लिखते हैं। आप देखें फोन प्लस, ठीक है, हैदर, ठीक है, इसमें आ गया 4026 आ गया, AKI 4026 क्लोज AKI, इसका नंबर, देन आपका फ्लिप इसका नंबर, देन डो का नंबर, देन डो का नंबर, देन फ्लिप्स, देन फ्रैंक का नंबर, देन फ्रैंक का नंबर और देन हैदर का नंबर। तो हम ये आपका रिलेशनल कैलकुलस है जो आपका जी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और जी उसके बाद हम उस लैंग्वेज को फॉर्मल मेथड्स में डिप्लॉय करते हैं। देन इसी को कंटिन्यू हम करते हैं कि जो आपके पास ये कैलकुलस है कि इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिवर्सिस डोमेन एंड रेंज बाय एक्सचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच पेयर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिवर्स लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो आपके पास रिवर्स है उसके लिए आप सिंबल देखें टिल्ड सिंबल, जो आपके कीबोर्ड के जो आपके कीबोर्ड की अल्फाबेट वन है इसके साथ वाले सिंबल पे है। आप देखें इसमें फोन टिल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं 4019, ये आपका इसको क्या कहते हैं बाय एक्सचेंजिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आपका जितने भी है ये रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें आप देखें इसमें हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इसमें 4019 देन AKI देन 4107 देन PHLF लिफ्ट देन आपका 4107, ठीक है, देन 4136, ठीक है, देन 0013 देन 0110 देन 6190, ये सारे का सारा आपका रिवर्स यूज़ हुआ है। ये आपका रिलेशनल कैलकुलस है कि आप इसको रिवर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये आप देख लें, ये सारे का सारा हम आपके पास रिलेशनल कैलकुलस है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो आपकी कंपोजिशंस हैं उन कंपोजिशंस को हम किस तरीके से कैसे मर्ज करते हैं। कंपोजिशन मर्ज टू रिलेशंस बाय कंबाइनिंग पेयर दैट शेयर अ मैचिंग कंपोनेंट, ठीक है ना। अब जो हमारे पास कंपोजिशन है वो मर्ज करती हैं टू डिफरेंट रिलेशंस को और कंबाइन पेयर को। अभी देखें डिपार्टमेंट फोन डिपार्टमेंट, अब हम इसको क्या लिख रहे हैं कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेसेस 0000 goes admin, कामा 0999 goes admin, 4000 goes research, 49999 goes research, 6000 goes prefecture, composing the phone and department relationship, phone and department, तो हमने यहाँ बता दिया कि जो AKI है वो यूज़ करता है रिसर्च, ठीक है, यानी वो रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, जो आपका फ्लिप है वो भी रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जो आपका डॉग है वो भी सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, देन आपका फ्लिप जो है वो एडमिन से बिलोंग करता है, जो फ्रैंक है वो भी एडमिन से बिलोंग करता है, और फिर जो फ्रैंक है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है। तो ये आपका रिलेशनल कैलकुलस है, यहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों से बिलोंग कर रहे हैं। देन हमारे पास ऑपरेटर सिंबल्स हैं, ऑपरेटर सिंबल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ऑपरेटर सिंबल्स आर डिफाइंड सिस्टमेटिकली, ठीक है, एक्स आर, ये सिंबल यूज़ होता है डोमेन रिस्ट्रिक्शन के लिए। जब हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो जब आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो इन दैट केस आप ये सिंबल इसमें यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपके पास ये सिंबल डोमेन एंटी रिस्ट्रिक्शन, यानी ये उसके जो रिवर्स है जो आपका एंटी रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं। देन ये जो सिंबल है ये आप यूज़ करते हैं अपनी रेंज फाइंड करने के लिए कि रेंज किस रखें। देखें अब यहाँ पे इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये समझें कि ये डोमेन है और ये डोमेन एंटी, ऐसा नहीं है। डोमेन एंटी के लिए हमने ये एक लाइन और ड्रा की है तो ये डोमेन एंटी है, ठीक है। हम इसको अब यहाँ पे एक लैंग्वेज
डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। हम तो वैसे तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता कि ये आपके पास डोमेन होती, ये डोमेन, ये रेंज रिस्ट्रिक्शन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डोमेन है, ये आपके पास डोमेन एंटी रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके पास जो आर रेंज, ये आपकी रेंज की रिस्ट्रिक्शन है और ये आपकी रेंज की एंटी एंटी रिस्ट्रिक्शन है। अब डोमेन एंड रेंज रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी कंबाइंड। इसमें क्या है, आपके डॉग, फिलप, फोन, कॉलन, 4000 डॉलर, 49999 इज इक्वल टू, जो आपका फिलप है, ठीक है, ये इसमें यूज़ कर रहा है, इसमें 4107 यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये भी इसमें यूज़ कर रहा है 4107, और इसमें यूज़ कर रहा है 4136। तो ये हमारे पास ऑपरेटर सिंबल्स थे। देन हमारे पास फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस जो है आर बाइनरी रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट इन द डोमेन अपीयर्स जस्ट वंस। ईच डोमेन एलिमेंट इज अ यूनिक की। अ फंक्शन कैन नॉट बी मैनी टू मैनी आर इवन वन टू मैनी रिलेशन, ठीक है। अब ये इसमें जो की पॉइंट है जो समझने वाला है कि ए फंक्शन कैन नॉट बी अ मैनी टू मैनी आर इवन वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसमें हम किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, आप इसमें देखें कि इसमें क्या आ रहा है, फोन, देन नेम, फोन, फोन एक ही आई, ठीक है, 4019, ठीक है, फिलिप का दिस है, डोग का दिस है, फ्रैंक का दिस है। अब यहाँ पे जो की पॉइंट था, ठीक है, वो ये था कि फंक्शन कैन नॉट बी अ मैनी टू मैनी और इवन वन टू मैनी रिलेशन। फंक्शन एप्लीकेशन क्या है, इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रिलेशनल इमेज। इट एसोसिएट्स अ डोमेन एलिमेंट विद इट्स यूनिक रेंज एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखें कि फोन ऑफ डॉग इज इक्वल टू 410, फोन एफ, ठीक है, डॉग, ठीक है, 410। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है, सेकंड इंजेक्टिव फंक्शन है, थर्ड बायजेक्टिव फंक्शन है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है और बायजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो जो आपके पास फंक्शन इज सब्जेक्टिव ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू सम एलिमेंट ऑफ द रेंज, ठीक है, सम डोमेन एलिमेंट्स मे बी मैप्ड टू मोर देन वन रेंज एलिमेंट, टोटल इंजेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसका आप देख रहे हैं कंसेप्ट कि हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन इज सब्जेक्टिव ऑन टू इफ एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट है ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू सम एलिमेंट ऑफ द रेंज, सम डोमेन एलिमेंट्स मे बी मैप्ड टू मोर देन वन रेंज एलिमेंट, ये आपके पास टोटल आपके इंजेक्शन है। और आपका इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन आर द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच एलिमेंट इन देयर डोमेन विद अ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर रेंज, इट्स अ वन टू वन रिलेशन। इसको हम पार्शियल इंजेक्टर भी कहते हैं, यानी ये आपका टोटल इंजेक्टर है और ये आपके पास पार्शियल जो आपका इंजेक्टर है। देन बायजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ए फंक्शन इज बायजेक्टिव वन टू वन एंड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इसमें बायजेक्टिव में वो आपका इंजेक्टिव भी हो सकता है और आपके पास सब्जेक्टिव भी हो सकता है। इक्विवेलेंटली एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, ए बायजेक्टिव फंक्शन इज अ बायजेक्शन वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग एंड इज रिवर्सेबल। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन थे, ठीक है, इसमें था सब्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन और बायजेक्टिव फंक्शन था। अब आप इनकी एग्जाम्पल्स देख लें कि इनकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, अब आपके पास देखें जो जनरल फंक्शन है ये ए और बी है, ठीक है, ये क्रॉस इधर और ये क्रॉस इधर, ये इस तरह पॉसिबल है, ये इस तरह पॉसिबल है, ये हमारे पास एक जनरल फंक्शन है। और इंजेक्टिव फंक्शन आप देखें, ये क्रॉस, ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी ये इससे डिफरेंट है। और
सब्जेक्टिव जो नॉट इंजेक्टिव है, अब ये आपको तब समझ आएंगी कि अगर आपने इन डेफिनेशन को अच्छी तरह समझे, दो तीन दफ़ा पढ़े, फिर आप इस डायग्राम पे आएँ तो आपको ये बात आपको फिर ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड होगी कि इसके अंदर आप ये देखें कि ये ए, ये बी, ठीक है, ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर, और ये आपके पास सब्जेक्टिव और ये आपके पास नॉट इंजेक्टिव है, और फिर जो बाइजेक्टिव और ठीक है बाइजेक्टिव इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आप देखें ये ए बी, यानी ये सबकी सेम है, आप देखें सबकी सेम है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंबल यहाँ, ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर, तो ये बाइजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, और ये आपका सब्जेक्टिव भी है। तो ये हमारे पास जो बाइनरी फंक्शंस एंड फंक्शन, ठीक है, अब ये जो आज के लेक्चर की समरी है जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसको अगर आप एक सिंगल स्लाइड में देखें तो जो बाइनरी रिलेशंस हैं और जो फंक्शंस हैं, हम देख रहे हैं कि एक्स वाई ये आपके पास बाइनरी रिलेशंस हैं और ये आपके यूज़ होते हैं मैनी टू मैनी के लिए यूज़ होते हैं, जितने भी आपके पास मैनी टू मैनी हैं इन तमाम के लिए हम इन तमाम के लिए हम यूज़ करते हैं अपने बाइनरी रिलेशन। देन आप देख रही हैं ये सिंबल जो एक्स वाई जो सिंबल है ये पार्शियल फंक्शंस हैं, ये मैनी टू वन के लिए यूज़ होते हैं, और सम फंक्शन एप्लीकेशन अनडिफाइंड, और कुछ इसमें से आपको जो एप्लीकेशन है वो आपकी अनडिफाइंड है। ये जो फंक्शन है एक्स वाई ये आपके टोटल फंक्शन होते हैं, टोटल फंक्शन क्या होते हैं कि ये ऑल फंक्शन एप्लीकेशन डिफाइंड, इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सारी की सारी आपकी डिफाइंड होती हैं। ये जो सिंबल है ये आपको यूज होता है, ये आपको होता यूज होता है पार्शियल इंजेक्शन के लिए। पार्शियल इंजेक्शन क्या होते हैं, ये आपके वन टू वन होते हैं, और इनवर्स इज आल्सो फंक्शन, इसमें जो इनवर्स है वो भी आपका एक फंक्शन है। ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है, ये आपका टोटल इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये सिंबल जो है ये आपका बाई इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है, कवर इंटायर रेंज ऑन टू ऑल हैव टाइप पी एक्स इंटू एक्स वाई। ये अब ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए कि जब हम बाइनरी रिलेशन यूज़ करेंगे तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, हम जब पार्शियल फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, हम जब टोटल फंक्शन यूज़ करेंगे तब कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हम जब पार्शियल इंजेक्शन यूज़ करेंगे तब कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, हम जब टोटल इंजेक्शन यूज़ करेंगे तब कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, और हम जब बाइजेक्शन यूज़ करेंगे तब कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।